हेलो हाँ अरे हाँ हाँ बारात 1200 की ही है पर अगर तुम 1500 का खाना बना दोगे तो तुम्हारे बाप का क्या जाएगा बनाओ जितना खाना है हाँ भाई यार दो केक चाहिए एक खाने के लिए दूसरा मुंह पे लगाने के लिए क्या मम्मी फिर से वही सब्जी मैं नहीं खा रही है मुझे तो पिज्जा खाना है ठीक है बेटा ये खाना फेंक दे मैं तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ अरे आज मैं पास हो गया 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा भगवान मेरे लड्डू खाएंगे ना खाने की बर्बादी चाहे वो शादी में हो पार्टी में हो या किसी रेस्टोरेंट्स में हो हम डेली जरा ना जाने कितना ही फूड वेस्ट करते हैं और ना जाने कितना ही फूड वेस्ट करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने इंडिया में ना जाने कितने ही लोग भूख से मरते हैं और ना जाने कितने ही लोग खाली पेट सोते हैं वेस्टेज ऑफ फूड को सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइम करार दिया है जी हाँ क्योंकि दुनिया के एक तिहाई भूखे लोग अपने इंडिया में ही रहते हैं और हर एक मिनट में 5 लोग भूख की वजह से दम तोड़ते हैं और एक साल में 25 लाख से ऊपर जी हाँ ओवर 25 लाख इन 1 ईयर तो प्लीज डू नॉट वेस्ट फूड एनी मोर पता है मम्मी को मैं ये सब्जी नहीं खाता यार मैं कैंटीन से खा रहा हूँ बेच दे रहा हूँ मैं बेच मत भाई मेरी मैं जो खाना बच जाता है ना वापस ले जाता हूँ मम्मी जी जरूरतमंद इंसान को दे देती है सही कह रहा है यार तू आज से मैं भी मम्मी को बोलूंगा जो खाना है वो फेंके ना किसी जरूरतमंद इंसान को दे दे एक बच्चा भी जानता है खाना फेंकना कितनी गलत बात है तो हम क्यों नहीं समझते शुरुआत हमें खुद से करनी होगी अपने आप से एक रोटी जो बच जाए वो किसी जरूरतमंद इंसान का पेट भर सकती है खाना खाने की अहमियत हमें खुद भी समझनी होगी और अपने बच्चों को भी समझानी होगी ताकि जो वेस्टेज जो खाना होता है वो किसी जरूरतमंद के इंसान को नसीब हो सके आज मेरे यहाँ की शादी है आज मेरे यहाँ की शादी है अरे सर मैंने कहा था ना आपको 1200 लोग खाना बनाने के लिए लेकिन हमारे नहीं 1500 लोग खाना बना दिया आपने अब क्या करें खाने का अबे हम पैसे की परवाह नहीं करते बहाने में सुख खाने की परवाह कर रहा है बाहर बैठे कोई भी शादी चाय खाने के बिना पूरी नहीं होती बारात चाहे कम हो या ज्यादा लड़की वालों का स्टेटस इस बात पे पता चलता है कि खाना कैसा था हद तो तब होती है कुछ कुछ बरातियों को दूल्हे और दुल्हन की शक्ल तक याद नहीं होती लेकिन उन्हें यह पता होता है कि दाल मखनी का टेस्ट अच्छा नहीं था सैलेड में दाल नहीं था कुछ लोग तो पूरी प्लेट भर लेते हैं थोड़ा टेस्ट करते हैं बाकी वेस्ट करते हैं और अति दोस्त है और खाना पूरे 500 लोगों का चाहिए और जो बर्बाद होता है या तो उसे हम फेंक देते हैं या तो जानवरों को खिला देते हैं अगर हम वही खाना किसी जरूरतमंद इंसान को खिलाएं तो वो जरूरतमंद इंसान कम से कम उन नए जोड़ों को दुआएं तो देगा साहब कुछ खाने का तो साहब बहुत जोर से भूख लगी है साहब इनसे मैंने कुछ नहीं खाया साहब कुछ नहीं खाया यार कितना बकवास खाना बनाया है नमक भी नहीं है मिर्च भी नहीं है और तो और तेल में छोंक दिया है झट फेंक देता हूँ चलो आज तो कुछ खाना मिला तो देखा आपने एक तरफ 2 दिन से भूखा है इंसान और दूसरी तरफ इन्हें खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा भाई हमारे देश में गरीबी के लिए भुखमरी के लिए सरकार जिम्मेदार है सरकार ये नहीं करती सरकार वो नहीं करती सारी गलती सरकार की है पर क्या कुछ गलतियां हमारी नहीं है क्या हमारे घरों में खाना बनाने के लिए सरकार आती है या फिर जब वो खाना बच जाता है उसे देखने के लिए भी सरकार आती है कब तक अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर थोपते रहेंगे ये कब तक उम्मीद करते रहेंगे दूसरों से कि वो आए और हमारी मदद करें अब वक्त है खुद स्टैंड लेने का तो शुरुआत आज से अभी से और खुद से करें ताकि हमारे देश में कोई भी कम से कम भूखा तो न सोए दोस्तों आज भी हमारे देश में 2 भारत बसते हैं एक तरफ जहाँ खाना है वहीं दूसरी तरफ खाना नहीं है मगर भूख तो दोनों तरफ बराबर होती है जहाँ आज भी देश के लगभग 30% आदमियों को खाना नसीब नहीं होता वहीं दूसरी ओर
हम अपने रोजाना जीवन में न जाने कितना भोजन बर्बाद करते हैं। एक अमीर आदमी दो मील खर्च चलता है खाना पचाने के लिए, वही दूसरी ओर एक गरीब आदमी दो मील चलता है खाना पाने के लिए। एक तरफ जहां गोदामों में सड़े अनाज, वही दूसरी तरफ बच्चे भूखे हैं। आज क्या अन्न का एक दाना एक जिंदगी नहीं बचा सकता? बचा सकता है। हमारा शादियों या पार्टियों से बैर नहीं है, लेकिन वही बचा हुआ खाना अगर हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो आप लोगों को दुआएं भी देगी और उनकी जरूरत के भी काम आएंगे। अब हमें सिर्फ सरकारों या एनजीओ पर निर्भर नहीं रहना है, इसके लिए हमें अपने स्तर पर खुद शुरुआत करनी होगी और अपने आप से आज वादा करेंगे और एक प्रण लेंगे कि हम भोजन का सम्मान करेंगे, उसे बर्बाद होने से बचाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। बड़ा ना, काफी हाथ बढ़ाना।